So let's read this question. The question says fx is equal to x if x is rational and 0 if x is irrational. And g of x का दे रखा is equal to 0 if x is rational and x if x is irrational. Then f minus g is, तो मैं बताना है कि फन वन होगा कि इन टू होगा या फिर क्या होने वाला है इन ऑप्शन के अंदर से. तो देखो अभी जो की कंसेप्ट का हम यूज करेंगे वो क्या होगा, की कंसेप्ट हमारा होगा. अब वन वन फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं पहले कि वन वन फंक्शन क्या होता है. वन वन फंक्शन वो होता है जहाँ पे हमें हर एक वैल्यू के लिए एक यूनिक एंड सिंगल सॉल्यूशन मिले. मींस हर एक वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन मिलना चाहिए, वो हो गया वन वन फंक्शन. लेट से ये हमारा कोई फंक्शन दे दिया, ये हो गया वन, ये हो गया एफ और ये हो गया जी. यहाँ पे वन टू थ्री है, यहाँ पे आएगा एक्स वाई और जेड. यहाँ पे वन से एक्स मैच हो रहा है और टू से वाई और थ्री से जेड. अब यहाँ पे ये नहीं कि थ्री से वाई मैच हो जाए या फिर टू से एक्स मैच हो जाए और वन से भी एक्स मैच हो जाए, तो वन फंक्शन नहीं रहेगा, वन फंक्शन होगा ये. अब बात करें कि ऑन टू और इन टू क्या होता है. ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है जिसमें हमारी जो को डोमेन है इज इक्वल टू रेंज होती है, और जो इन टू फंक्शन होता है, इन टू फंक्शन क्या होता है उसमें हमारी जो को डोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं होती हमारी. सो ये हमारे होते हैं इन टू एंड आउट टू फंक्शन. तो इन सब को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अभी हमें क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स. यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स इफ एक्स बिलोंगिंग टू रेशनल, ओके रेशनल, एंड जीरो इफ एक्स बिलोंगिंग टू इरेशनल. सिमिलरली जी ऑफ एक्स क्या दे रखा है, जीरो इफ एक्स इज रेशनल. यहाँ पे एक्स हमारा जब रेशनल होगा ये जीरो होगा, एंड एक्स जब हमारा एक्स बिलोंग टू इरेशनल होगा. तो ये चीज है. अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एफ माइनस जी. तो यहाँ पे देखते हैं. अब यहाँ पे जब हम एफ माइनस ऑफ जी एक्स करेंगे क्या आएगा, ये रेशनल और इरेशनल को सेपरेटली कंपेयर करना है हमको. सो यहाँ पे एक्स माइनस जीरो, तो यहाँ पे आएगा एक्स जब हमारा एक्स करेगा रेशनल से बिलोंग. और सिमिलरली अब इरेशनल के लिए करें तो जीरो माइनस एक्स क्या होता है हमारा, माइनस ऑफ एक्स जब हमारा एक्स इरेशनल से बिलोंग करेगा. ओके तो अब ये चीज हो गई. अब यहाँ से हमको निकालना है कि ये वन वन होगा कि ऑन टू होगा. तो यहाँ ग्राफिकल अप्रोच लेते हैं, उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो इसका ग्राफिकल क्या अप्रोच क्या होगी, यहाँ से हमारा वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो एक्स का क्या होगा, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा हमारा वो देखते हैं. तो वो ग्राफ बनेगा हमारा पासिंग थ्रू द ओरिजिन लाइक दिस. अब यहाँ से एक्स माइनस ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे जाएगा, वो जाएगा ऐसे. अगर हम पास करें, अगर एक्स हमारा रेशनल से बिलोंग करता है तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन होगा. ओके ये ग्राफ अलग है, ये अलग है, तो इसके लिए चलो अभी इसको हटा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो. सो अगर हमारा एक्स है और वो रेशनल है तो उसके लिए क्या होगा, तो वन वन सॉल्यूशन होगा. और सिमिलरली अगर मैं दूसरा ग्राफ प्लॉट करूँ, यहाँ पे दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स है, तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन होने वाला है, तो यहाँ पे इसके लिए भी एक ही वैल्यू है. तो हमारा जो फंक्शन है वो तो आने वाला है वन वन. और ऑन टू और इन टू के लिए अगर देखें तो ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. तो यहाँ पे क्या है, हमारी एक्स रेशनल है इरेशनल है, वो पूरा आर बिलोंग हो गया उसमें. सो हमारा ये हो जाएगा वन वन एंड ऑन टू फंक्शन. ओके तो ऑप्शन देखते कौन सा करेक्ट है इसके लिए. तो वन वन एंड ऑन टू, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.